गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोदी केयर की इस सफलता भरी दुनिया में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आइए ऐसी सफलता भरी दुनिया में चलते हैं जहां पर एक दूसरे के सपने पूरे करने में हमें बहुत मदद मिलती है। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति को जिनको हम सक्सेस गुरु, सफलता की गुरु मानते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी में सक्सेस दिलाना, लाखों लोगों के सपने पूरे करने में ये बहुत मदद करते हैं। आइए इनवाइट करना चाहते हैं जो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, डॉक्टर सुरेखा मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्राइट शाइनिंग स्टार्ट। दिस इज रियली अमेजिंग। आप जब बात करती हैं, आप बात शुरू करती हैं तो पूरी इवेंट में एक माहौल सा बन जाता है। दोस्तों स्वागत है आपका। बात आ रही है गवर्नमेंट जॉब की। देखिए हम आज मोदी केयर सक्सेस कार्निवल करने जा रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में से मोती निकाल करके किनारे पर ला करके बिखेर दिए गए हों और उसमें से सिर्फ एक मुट्ठी निकाल करके मैं आज आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, आप लोगों के सामने पेश कर रही हूं, ऐसा है ये सक्सेस कार्निवल। क्योंकि मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज, अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज बनती चली जा रही है तो उसमें से कुछ कुछ जस्ट एक ग्लिम्स हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। और ये जो सेशन है, ये सेशन है जॉब, गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी का। फ्रेंड्स मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर थी और हमें पता है कि वो जमाना था जब गवर्नमेंट में नौकरी लग जाए उसको बहुत बड़ा माना जाता था कि चलो जी एक गारंटेड इनकम आती तो रहेगी और नो डाउट हमने उसी का खाया। पर बस समझौते थे, सपनों का वहां पे कोई नाम नहीं था। कहा जाता था जितनी चादर हो उतने ही बस पैर फैलाओ और वो लिमिटेड मीन्स में हमने अपना सारा बचपन सारी जवानी गुजारी। बट फ्रेंड्स अब वक्त बदल गया है, अब लोगों को पता चल चुका है कि गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सिक्योर्ड, गवर्नमेंट में क्यों लोग पसंद करते हैं कि जी सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी है, पर अब लोग समझ गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सिक्योर्ड कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें गवर्नमेंट जॉब से कई गुना ज्यादा पैसा है। आप जितनी मेहनत करते चले जाओ उतनी सफलता पाते चले जाते हो और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो और यहाँ पे रिटायरमेंट की कैपेसिटी जनरेट कर सकते हो और उसके बाद रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको अपने नाम का पैसा आता रहता है और साथ में बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स और बहुत सारी लाइफस्टाइल आप लीड कर पाते हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाना चाहूंगी जो गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने मोदी केयर में असीम सफलता पाई है। और सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम हम लेने जा रहे हैं वो तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब में थे कि वो बत्ती वाली गाड़ियों में चला करते थे, चारों ओर अपने शहर में उनका नाम था, डंका बजता था। फिर उन्होंने इस बिजनेस को पसंद किया और क्या है उनकी कहानी ये वो खुद आज सुनाएंगे। हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जितेंद्र जैन जी एंड आभा जैन जी को जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर स्क्रीन पर बुलाना चाहते हैं सर सम्मान। जितेंद्र भैया, आभा भाभी, ओवर टू यू। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसा दीदी ने बताया, मेरा नाम जितेंद्र जैन है, मैं कोटा राजस्थान से हूं। आई हैव डन एमकॉम, एमए, एमबीए एंड एलएलबी। आज से 20 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया जब मैं एक सरकारी नौकरी करता था, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, जकड़न बराबरी देती है। तो वो जकड़न मेरे को महसूस होने लगी और जिंदगी में फ्रीडम चाहिए थी। उस फ्रीडम को ढूंढते ढूंढते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा हम लोगों ने। और 20 साल की जो ये जर्नी है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। कभी सोचा करते थे 25-50 के घर में रहेंगे, एक मारुति 800 खरीदेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में आप ईमानदारी से अगर काम करें तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ईमानदारी का भूत शुरू से सवार था, सच्चाई ईमानदारी का काम ढूंढ रहे थे दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पसंद आई और 20 साल में जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मोदी केयर में आने के बाद हमने वो फ्रीडम पाई जिस फ्रीडम की हम लोग तलाश कर रहे थे दोस्तों। मारुति 800 से शुरू हुए थे, मर्सिडीज बेंज तक आ गए हैं। हम छोटे से घर में सरकारी बंगले में रहा करते थे, उस सरकारी बंगले से आज अपने खुद के 8 करोड़ के घर में आ गए हैं। 90 बार हिंदुस्तान से बाहर विदेश यात्राएं की है। इस दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो देखने लायक है, ऐसा कोई शहर नहीं है जो देखने लायक है हमने नहीं देखा हो। ये सब ताकत है इस इंडस्ट्री की दोस्तों। और मोदी केयर ने तो परवान चढ़ा दिया है हमारे को। पिछले 5 साल में हमारी जिंदगी में जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो बहुत रिमार्केबल है। अब हम जिंदगी के उस जीवन मूल्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों जो मेरा हमेशा से सपना होता था। क्योंकि मेरा आज भी मानना यह है, इस जीवन में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो ये है खुद जीवन। और इस जीवन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम हमारे उस स्पिरिचुअल गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो इस सपने को लेकर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर वो सब पाएंगे।
विश यू ऑल दी सक्सेस, लव यू, थैंक यू ऑल। फैंटास्टिक फैंटास्टिक भैया, उस बत्ती वाली गाड़ी में घूमते रहते तो कुछ लोगों की जिंदगी बदलते, मोदी केयर में आ गए तो एक लाइट हाउस की तरह आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, उन्हें जीने का सही तरीका सिखा रहे हैं। जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाना चाहेंगे। और हमारे अगले लीडर जो कि मैन ऑफ वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनको लोग उनके नाम के आगे जो सरनेम है उससे नहीं पुकारते, दा करके बुलाते हैं, विभाष दा। विभाष दा जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्क्रीन पर आपका सम्मान करना चाहेंगे। गुड मोदी क्या राजा जी मॉर्निंग। गुड मोदी क्या राजा जी मॉर्निंग। आई एम विभास मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता। एक फुटबॉल प्लेयर था, सपना था कि फुटबॉल खेलते खेलते एक दिन इंडिया खेलूंगा, फॉरेन टूर जाऊंगा। खेलते खेलते एक दिन अंडर स्टेट गवर्नमेंट में क्लरिकल जॉब मिला एज ए स्पोर्ट्स कोटा। लेकिन सम फ्यू ईयर्स After some few years, due to injury, my football career khatam ho gaya. My footballer se ordinary clerk ban gaya, West Bengal government ka clerk. Wo time khub toughest time tha mera life mein. Mera daughter ka high education, family chalane ka kharch, ek clerk ka kya musibat hota hai. India ka jo clerk hai, usko malum hai, je family chalane ke liye एक क्लार्क का तनखा क्या होता है, एक फैमिली चलाने के लिए क्लार्क का क्या क्या मुश्किल होता है। तो ये हमारा सोच में था कि ये सिचुएशन का कैसे पार करूंगा, कैसे। थैंक्स गॉड, मेरा लाइफ में 2015 में मोदी केयर आया, मोदी केयर में ज्वाइन किया, लास्ट 5.5 इयर्स मोदी केयर में काम किया और दुनिया देखा जे क्लार्क विभास मुखर्जी को आफ्टर 5 इयर्स मैं मोदी केयर में रॉयल बैग डायमंड बन गया। लास्ट मंथ मेरा चेक 7,50,862 मिला। मेरा पास एक 25 लाख का जीप कॉम्पस कार है, बहुत फ्यू फॉरेन टूर किया। लास्टली थैंक्स गॉड, थैंक्स आवर लिविंग गॉड सुमित जी एंड थैंक्स टू ऑल। फैंटास्टिक, माय गॉड, कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी, आपकी रूह कांप गई मेरी। थैंक गॉड आपको मोदी केयर मिल गया और सारी जिंदगी सुधर गई। भगवान करे जैसे मोदी केयर आपकी जिंदगी में आया, सबकी जिंदगी में आए, सबके कष्ट तारे। जोरदार तालियां विभाषदा हम आपके लिए बजाना चाहते हैं और हमारे अगले एक डायनेमिक लीडर बीरा किशोर नायक जी को बुलाना चाहते हैं स्क्रीन पर, जोरदार तालियों के साथ। बीरा जी, यस सर। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सर वीरू किशोर नायक, आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम था, सपने भी बहुत थे, सोचा था कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जब गवर्नमेंट जॉब मिला, एक जिंदगी मिला जो हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ना जाने कितना लिमिटेशन लाइफ में आ गया, हर स्टेज में एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और हर वक्त सोचना पड़ता है। कभी कभी दिमाग में नहीं घुसता है क्या करूं क्या ना करूं, कभी समझ में नहीं आ रहा है और कभी कभी ये भी सोच भी आ रहा है मैं बिना हाथ पैर में घूम रहा हूँ, ना जाने कितने प्रकार का प्रॉब्लम, कितना प्रकार का समस्या ये लाइफ में आ गया। लेकिन थैंक्स गॉड, जब मोदी केयर का प्लान देखा बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ पे कामयाब बन सकूँ, सक्सेस बन सकूँ, ये विश्वास नहीं था। फिर भी मेरा पास और कोई ऑप्शन नहीं था सक्सेसफुल बनने के लिए, इसलिए मोदी केयर में जुड़ गया एक छोटा सा ड्रीम लेके, कैसे 2-3 हजार 5 हजार इनकम करूँ महीने में। लेकिन जब मोदी केयर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा, एक ही सवाल खुद को बार बार पूछा, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो ये सोच के साथ बिजनेस को अच्छे तरह से समझा और प्रमोद सर के समझ से, प्रमोद सर के गाइडेंस से भी जी जान लगा के काम किया और अभी जीबीडी बना, महीने में मोर देन 6 लाख इनकम कर रहा हूँ और ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि कैसे मार्च महीने तक इनकम 10 लाख हो जाए। सो अगर मैं अगर ये बिजनेस कर सकता हूँ, जितना व्यूअर्स आज देख रहे ये सारे लोग इस सिस्टम के वजह से ये सक्सेसफुल कामयाब बन सकते, ये सारे सक्सेस आपको भी मिल सकता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू समीर सर, एक अपॉर्चुनिटी दिया जिस अपॉर्चुनिटी से सारे वो आम आदमी सक्सेसफुल बन सकते। थैंक यू मैडम। थैंक यू
बिल्कुल हो सकते हैं सर, गवर्नमेंट जॉब जिन सपनों के साथ किया जाता है फिर वो करने वाला ना, वही आपने सुना होगा ना कि कील चुभ तो रही है पर इतनी नहीं चुभ रही कि उठ जाए बंदा, वो सोफे में कील लगी है वो लगातार थोड़ी थोड़ी चुभती है, वही गवर्नमेंट जॉब का हाल होता है कि भैया चलो मिल तो रहा है खाने को तो है, ऐसी सोचते सोचते कटती चली जाती है। मुझे बड़ी खुशी है आपने वो कील को थोड़ा गहरा चुभोया और आपने नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर ज्वाइन किया, सफलता पाई। आइए दोस्तों हमारे अगले अचीवर एक डायनेमिक लीडर देवाशीष चक्रवर्ती जी को सुनना चाहेंगे। देवाशीष जी सर सम्मान आपको स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। थैंक यू सुरेखा मैडम, आज मैं बहुत लाकी हूँ कि ये सारे इंडिया मुझे सुन रहा है। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था 2010 में मुझे सिर्फ दो चार लोग ही पहचानते थे, तो आज मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मुझे क्राउन डायमंड डायरेक्टर बना दिया और लास्ट मंथ मेरा चेक आया था 3,44,201 एंड यहाँ से सक्सेस पाना तो बहुत आसान है, घर का प्रोडक्ट यूज करना और सबको बोलना। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकता है, अगर सुरेखा मैम एक करोड़ से ज्यादा कमा सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं, और पंच इंद्रियों हम अगर लगा देंगे आज तो हम सोच सकते हैं कि जीबीडी बन जाऊंगा, करोड़ रुपए कमाऊंगा, और हमारे टीम में जितने सारे लोग है वो सारे लोग 1 करोड़ से ज्यादा महीने में कमा पाएगा। और मैं थैंकफुल हूँ समीर मोदी जी सर, लिविंग गॉड जी, ये अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया और हम यहाँ से कामयाब पाना चाहते हैं, पूरे टीम लेकर हम करोड़ों कमाएंगे थ्रू मोदी केयर, ओनली वन प्लेटफॉर्म जो हम लोग है साधारण लोग को असाधारण होने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म मोदी केयर, चॉइस मोदी केयर, डू मोदी केयर एंड सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एक गवर्नमेंट ऑफिसर मैंने सुना था कि उसका उत्साह बहुत कम होता चला जाता है लाइफ में, वो ये घिसी पिटी दिनचर्या, वो कोई मोमेंटम नहीं रहता, कोई उत्साह नहीं रहता, कोई फ्यूचर की बातचीत नहीं रहती, कोई प्रोग्रेसिव थॉट नहीं रहता। और देखो आपने मोदी केयर कर लिया तो कितने आप उत्साही हो, कितनी पर्सनल ग्रोथ आप में है, और देख जैसे जैसे कहते हैं ना जीने की असली वर्थ है जो आप मोदी केयर में निकाल पा रहे हो। थैंक गॉड आप मोदी केयर के साथ हो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आइए फ्रेंड्स हम हमारे अगले अचीवर जयवीर सिंह जी को सुनना चाहेंगे। जयवीर सिंह जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और इस लगभग सरकारी नौकरी में मुझे 17 साल हो गए हैं और इस बिजनेस को अपनी वाइफ के साथ डेवलप कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कहीं विदेश में घूमने जाएंगे, मतलब ऐसे ही जिंदगी निकले जा रही थी, पता नहीं था जिंदगी का मकसद क्या था। ऐसे में हमारे ग्रेट गुरु सुनील कुमार जी ने हमें मोदी केयर का रास्ता बताया और उनकी गाइडेंस में हमने वो हासिल किया जो सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट होने वक्त भी नहीं हो पाएगी। आज जो हमारी लगभग 17 साल की मेरी सर्विस है उसमें आज जो मेरी सैलरी है उससे 4 गुना ज्यादा मेरी इनकम मोदी केयर में है मेरी वाइफ, और कभी सोचा भी नहीं था। विदेश का पासपोर्ट भी बनाएंगे, यहाँ पर 3 विदेश यात्रा हमें यहाँ पे मिल चुके हैं और एक लग्जरी गाड़ी यहाँ पर हम अफोर्ड कर रहे हैं इससे, क्योंकि गाड़ियां तो हर कोई खरीद लेता है लेकिन उसके गैराज में ही खड़ी रहती है। आज लगभग 10 से 15 हजार का मंथली उसमें पेट्रोल हम लोग उसमें चला देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों मैं एक ही बात आपसे मैसेज कहना चाहूंगा कि हमें मोदी केयर करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिंदगी भर सरकार पालेगी हम, लेकिन हम खाली जिंदगी काटने के लिए नहीं आए, जिंदगी जीने के लिए आए हैं, और जो जिंदगी हमें मोदी केयर जीना सिखाता है वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। तो थैंक यू कहना चाहूंगा सुरेखा मैडम को और अपने समस्त अप्लाई को और प्यारी प्यारी टीम को कि वो भी आगे आए और अपने ड्रीम के लिए काम करें, क्योंकि नौकरी से खाली उनका जीवन चल सकता है, उनकी आजीविका चल सकती है, अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो कुछ अपना करना पड़ेगा और वो अपना मोदी केयर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह दिया आपने कि जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी में कुछ खास करना है और वो गवर्नमेंट जॉब में हो नहीं सकता, तो पार्ट टाइम में वाइफ कर रही हैं, आप वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दिल लगा करके जो कोई करने लगता है वो पार्ट टाइम में भी इसको बहुत सक्सेसफुली कर जाता है और आप जैसी ही सफलता पा लेता है। हम जोरदार ताली आपके लिए बजाना चाहेंगे, इतनी सी उम्र में आप इतना आगे बढ़ गए तो पता नहीं आगे तो क्या होने वाला है। आइए फ्रेंड्स अब हम एक बहुत सीनियर बहुत सिंसियर बड़े मेथोडिकल लीडर अनिल आवड़े जी को बुलाना चाहेंगे ससम्मान जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गावड़े मुंबई से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं मोदी केयर में आने का पहला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विस करता था मुंबई पोर्टर्स में। मुंबई पोर्टर्स में मैं मार्च 2021 में रिटायर होने वाला था, तब तक मुझे 1 लाख रुपए तो सैलरी होने वाला था, मगर उसके बाद क्या मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए था
जो महीने का 1 लाख रुपया मुझे जिंदगी भर मिले। दोस्तों मुझे सुबह 8-12 का जो गाड़ी पकड़ता था मैं, कभी मुझे बैठने को नहीं मिलता था, और वो मैं 2 घंटा जाना 2 घंटा आना ये मेरा काम करता था। दोस्तों आज मोदी केयर में मैं 158 रुपीज से मैंने पहला चेक लिया और आज एवरेज 2 लाख रुपीज इनकम कर रहा हूँ। दोस्तों इनकम तो कर रहा हूँ मगर मोदी केयर से मुझे 4 फॉरेन ट्रिप मिले। पहला मैं मलेशिया जाके आया, फिर बैंकॉक पटाया जाके आया, फिर दुबई और फिर और एक बैंकॉक पटाया। दोस्तों मेरे टीम से 2 लीडर जो आज 1 लाख रुपीज इनकम कर रहे हैं। मोदी केयर से मुझे 2 साल पहले एक सेलेरियो कार लिया और अभी मार्च में टाटा हैरियर कार जिसका कॉस्ट है 25 लाख, मेरा ड्रीम कार है, वो लेने जा रहा हूँ। दोस्तों जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू समीर सर, थैंक यू मोदी केयर। फैंटास्टिक गवर्नमेंट जॉब माइंडसेट सुनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रेंज होता है कि बस आप उसी एक कहते हैं ना दौर में घुसते चले जाते हो, उस चक्रव्यूह को तोड़ करके कुछ और करने का सोच करके, और फिर इतना डायनेमिकली आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड करना शुरू किया। आपकी सोच को सलाम करते हुए अनिल जी हम आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहते हैं और हमारे अगले लीडर जे एस धारीवाल जी को ससम्मान स्क्रीन पर बुलाना चाहते हैं। धारीवाल जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम जगिंदर धारीवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाने पंजाब नू बिलोंग करदा। पहले सपने बहुत बड़े बड़े थे जो कभी भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। मेरा पहला सपना था भी जहाज में चूटा लेना है, जहाज में बैठना है, और मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने 30 साल गवर्नमेंट जॉब की पर मेरा कोई जहाज का सपना पूरा नहीं हुआ। हौली हौली बच्चे बड़े होने लगे, फिक्र पड़ने लगा भी मैं करूँ, लड़का एक लड़की है, और हौली हौली सोचते सोचते चले गए और मुझे मेरी अपलाइन सरदार मेजर सिंह जी बैस मिले, जिन्हों का मैं बहुत थैंक्स करता हाँ, जिन्हों का धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने मोदी केयर मैं बिजनेस ज्वाइन कराया। और हौली हौली समझ के जो अपलाइन ने कहा वो ही किया और करते गए। और मैंने 2019 में जनवरी 31 जनवरी को पंजाब पुलिस में 30 साल जॉब करके अपनी प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली, और मैं प्रॉपर तरीके से मैं मोदी केयर कर रहा हूं, और मेरी आज जो मोदी केयर से इनकम है आज मैं टूर अचीव कर चुका हूं, और मोदी केयर से 2 गाड़ी मैं अचीव कर चुका हूं। पहले मैंने ब्रीजा कार ली, अभी मैं 16 लाख रुपए की किया गाड़ी लेके आया हूँ। और एक मोदी केयर ने और भी बहुत कुछ दिया, बोलना सिखाया, पहनना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, और मोदी केयर की बदौलत आज मेरी बेटी जेड़ी आ वो कनेडा में स्टडी कर रही है। मैं थैंक्स करना अपनी अपलैन दा, अपनी डॉन लैन दा, अपनी सुरेखा मैम जी दा और समीर मोदी जी दा, जिन्होंने एड्डी बड़ी ओपर्चुनिटी आम इंसान नू खास इंसान बनाया। थैंक्स मोदी केयर, थैंक्स अपलैन, थैंक्स समीर मोदी जी। थैंक यू माय गॉड, 17 साल पुलिस की नौकरी के बाद सपने सारे पूरे किए तो मोदी केयर के साथ। बड़ी इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है और आपकी बेटी कनाडा में पढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही सारे सपने जितने भी आपने देखे आप अपने सपने भी पूरे करें, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले भाई बहन हैं उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि भैया ठीक है सरकारी काम भी करो बट साइड बाय साइड पार्ट टाइम में अपने सपनों के लिए भी अगर ड्यूटी बजा लोगे तो जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाना चाहेंगे धारीवाल जी, और हमारे अगले लीडर जगरूप सिंह जी को ससम्मान तालियों के साथ स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। सशिका मैम, सारा सशिकाल, नाम जगरूप सिंह, गवर्नमेंट जॉब हुण भी कर रहे हैं पंजाब पुलिस दे विच, एज ए पंजाब पुलिस जॉब कर रहे हैं। थैंक्स माई ग्रेट अपलैन सरदार मेजर सिंह जी, जिन्हों की बदौलत अज मैं इस बिजनेस में हाँ। लगभग 4 साल पहला मैं मोदी केयर में आया सी। थैंक्स करदा परमात्मा का उस दिन का जिस दिन मोदी मेजर साहब ने मेरे तो परमात्मा ने इस बिजनेस लई यस कराई। देखो जो मैं एक बार जो असी पिंड के लोग है जो असी पंजाब पुलिस जॉब की शुरू की उदो ऐसा लग्या सीगा भी पंजाब पुलिस भर्ती हो के ना बड़ा कुछ करांगे, पर नौकरी जॉब कहती है भुखा तेनों मरन नहीं दिंदी, भुखा तेनों मरन नहीं दिंदी, ऐश तेनों करन नहीं दिंदी। पहले 10 दिन जेब गर्म, फिर नरम, फिर बेशरम,
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅੱਜ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 65,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜਾ ਕਾਰ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਕਰੇਟਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਊ ਕਰੇਟਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਟੂਰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਪਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਾਓ ਦੋ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਮਨੇ ਸੁਣੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਔਰ ਉਸਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨਕੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਕੋ ਕਰਤੇ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋਤੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਤ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮੇਂ ਥੇ मम्मी की सैलरी घर में आकर के कोर्ट की जेब में रख दी जाती थी पापा की सैलरी बैंक में रखी जाती थी तीन बेटियां उनकी पढ़ाई लिखाई उनकी शादी का खर्चा हमने सारी जिंदगी सिर्फ मम्मी की सैलरी में काम चलाया कभी कोई नौकर हमारे घर नहीं था मम्मी साइकिल पे स्कूल पढ़ाने जाया करती थी पापा शिफ्ट ड्यूटी थी कभी 6 से 2 होते ड्यूटी होती थी कभी 2 से 10 ड्यूटी होती थी उनको उनका सरकार बॉस बताता था कि आज उन्होंने कितने बजे रात को सोना है बड़ी तकलीफों की जिंदगी थी दोस्तों पर बस कुल मिला के बात इतनी है उन दोनों ने मोदी केयर किया तो जो वो 10-12 हजार रुपए की दोनों की इनकम आया करती थी आज उमा भार्गव जी 1,83,000 रुपया महीना कमाती हैं शान से बैठी हैं अभी सेकेंड हैंड कार पापा ने रिटायरमेंट के बाद खरीदी थी अभी उनका 7-8 लाख रुपए का तो कार फंड इकट्ठा हो गया है और सिर्फ इसलिए कि मोदी केयर किया तो उनका जो भविष्य है बिल्कुल वो जब तक है वो पूरा सुरक्षित है उन्हें जिंदगी में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी ताकत है तो फ्रेंड्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं ईमानदारी के साथ कीजिए निष्ठा के साथ कीजिए बट कुछ निष्ठा अपने लिए भी बना करके रखिए साइड बाय साइड मोदी केयर ज्वाइन कीजिए और अपने परिवार के प्रति जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को ढंग से निभा लीजिए यही दुआ हम आपके लिए करते हैं ऑल दी वेरी बेस्ट थैंक यू